हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा जोन, शिक्षा से परीक्षा तक। चलिए, तो आज की जो जॉब अपडेट है इसको हम आज देखते हैं। LIC असिस्टेंट इंजीनियर और AAO की वैकेंसी है, तो इसकी सारी डिटेल्स को हम देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की, तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो है हमारी असिस्टेंट इंजीनियर की वो है 50। अब इसमें हम पोस्ट वाइज देख लेते हैं कि किस डिपार्टमेंट के लिए कितनी पोस्ट है। तो यहाँ पर अगर सिविल की बात करेंगे तो टोटल 29 वैकेंसी हैं। ऐसे ही AE इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे तो 10 है, आर्किटेक्चर की 4 हैं, स्ट्रक्चरल की भी 4 हैं, और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और MEP इंजीनियर की कितनी है, 3 है। और टोटल कितनी है यहाँ पे, 50 है। 50 में से UR के लिए 26 हैं, OBC की 12, SC की 6, EWS की 5। और यहाँ पे जो है PWD के लिए कोटा है वो भी आप देख सकते हो कौन सी सीट पे कितना है। उसके बाद अब आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो दूसरी वैकेंसी है वो है हमारी असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्पेशलिस्ट, जिसे हम AAO के नाम से भी जानते हैं, AAO। तो यहाँ पे इनकी टोटल वैकेंसीज़ है 168। 168 वैकेंसीज़ में अब अगर हम देखेंगे तो कौन सी वैकेंसी किस किस के लिए स्पेसिफिक डिपार्टमेंट की पोस्ट है, तो देखते हैं हम यहाँ पे AAO CA, जो CA होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसकी हैं 40 वैकेंसीज़। AAO एक्चुरियल की है 30 वैकेंसीज़, लीगल की हैं 40, राजभाषा की हैं 8, AAO IT की हैं 50, और टोटल कितनी है, 168। तो हम यहाँ पे सारी डिटेल्स देखने वाले हैं। और यहाँ पे आपको ये तो पता ही है, SC ST OBC EWS और UR की यहाँ पे अलग से आपको दी हुई है, तो देख सकते हैं कि आपकी कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज है। टोटल 168 वैकेंसीज है, ठीक है। तो अभी आगे देखते हैं इसमें और क्या गिवन है हमें। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा कब क्या क्या होने वाला है। तो जो ये फॉर्म ओपन हुए हैं, ये कब से ओपन हुए हैं, 25 फरवरी से। लास्ट डेट कब की रहेगी, 15 मार्च की। और जो हमारे एडमिट कार्ड की भी डेट इन्होंने बताई है कब निकल जाएंगे, 27 मार्च से 4 अप्रैल तक हमारे एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे। और डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिमरी जो प्री होगा ना, उसकी डेट भी दे दी इन्होंने, 4 अप्रैल को ये हमारा एग्ज़ाम ले लेंगे। और ये टेंटेटिव है, थोड़ी बहुत आगे पीछे भी हो सकती है, और मेन एग्ज़ाम की डेट अभी इन्होंने बताई नहीं है। तो देखो, प्री एग्ज़ाम की डेट भी पता है तो हम इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं अभी से और क्लियर कर सकते हैं। तो आप इसके फॉर्म ज़रूर भरिएगा। उसके बाद अगर हम आगे देखें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो यहाँ पे देख सकते हो 21 टू, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ यहाँ पे जितनी सारी बातें लिखी हैं, 30 ईयर वाले अप्लाई इसमें कर सकते हैं। ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। अब इसमें कोटा जो मिलता है SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, और ये सब अदर जनरल PWD से जो आते हैं उनके लिए अलग अलग से 10, 15 और 13 साल, ठीक है। और ऐसे ही नीचे यहाँ पे और बता रखा है, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से जो है उनके लिए भी यहाँ पे कोटा दिया हुआ है, और जो LIC के एम्प्लॉई हैं उनके लिए भी यहाँ पे अलग से 5 साल का कोटा मिला हुआ है। अब देख लेते हैं हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक एक पोस्ट की। तो AE के लिए जो चाहिए सिविल में, तो BE और BTEC होनी चाहिए हमारी सिविल में ही होनी चाहिए, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग में। AE इलेक्ट्रिकल के लिए भी BE BTEC मांगी है, किसमें, सिविल इंजीनियरिंग में। उसके बाद हम असिस्टेंट आर्किटेक्चर की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी हमसे क्या मांगा गया, बी बैचलर ऑफ आर्कियोलॉजी विथ ऑटो कैड सॉफ्टवेयर जो हमें आना चाहिए, ठीक है। और या सिमिलर टाइप जैसे कि कैटिया वगैरह होते हैं हमारे, उनमें से कोई सॉफ्टवेयर जो होगा वो आना चाहिए हमें। उसके बाद अगर हम AE स्ट्रक्चरल की बात करें, तो इन्होंने मांगा है ME MTech। और जो ऊपर वाली वैकेंसीज थी उनमें मैं आपको बता दूँ, ये जितनी भी थी यहाँ से यहाँ तक, इनमें 3 साल का एक्सपीरियंस है चाहिए होगा। और इसके बाद जो नीचे AE स्ट्रक्चरल है इसमें 1 साल का चाहिए, जो ये MTech वाली है। उसके बाद AE MEP इंजीनियर जो है हमारा, उसमें भी हमें क्या, या तो हमारी किस में हो, मैकेनिकल में हो या MEP में हो BTech, तो वो चल जाएगी इसमें फॉर MEP इंजीनियर्स के लिए। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे, देखते हैं यहाँ पे AO चार्टर्ड अकाउंटेंट की वैकेंसीज। तो AO चार्टर्ड अकाउंट की वैकेंसीज देखोगे तो यहाँ पे बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी। अगर मेरे को लगता है आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको जूम कर देता हूँ और क्लियर दिख जाएगा आपको, मैं वैसे आपको लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे CA मांगा है, किसमें, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की मैंने आपको AAO की वैकेंसी बताई थी। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा तो मैं बोल भी रहा हूँ, आप सुन के भी समझ जाओगे। उसके बाद यहाँ पे अगली है हमारी AAO एक्चुरियल, मैंने जूम कर दिया और जूम कर देता हूँ। तो AAO एक्चुरियल में क्या मांगा है, बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में चलेगी, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर AAO लीगल की बात करें, तो AAO लीगल, लीगल में हमें बैचलर डिग्री चाहिए लॉ में, या LLM होनी चाहिए हमारे पास, LL मास्टर डिग्री जो होती है, और 3 ईयर का बार एक्सपीरियंस इन एसेंशियल है, जो
प्रैक्टिस की होती है ना जो एलएलबी में, तो वो होनी ज़रूरी है 3 साल की। उसके बाद अगर हम आगे देखते हैं और वैकेंसीज, तो ए और राजभाषा, जो राजभाषा देखी थी, तो इसमें हमें क्या मांगा है इन्होंने, इसमें मांगा है हमसे पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए या तो हिंदी लैंग्वेज में, या हिंदी ट्रांसलेशन विथ इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट बैचलर डिग्री लेवल। पोस्ट ग्रेजुएट मांगी है, या फिर अगर वो नहीं है तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए, मास्टर डिग्री इन इंग्लिश विथ हिंदी एज अ सब्जेक्ट, या फिर वो भी नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर डिग्री इन संस्कृत विथ इंग्लिश। ठीक है, उसके बाद AOIT की आती है, तो AOIT में उन्होंने मांगा है या तो आपके पास इंजीनियरिंग ही हो, आईटी में इंजीनियरिंग हो, या फिर आपके पास MSc कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए, या MC हो कंप्यूटर साइंस में BCA के बाद जो होती है। तो ये सारी आपकी क्वालिफिकेशन है। उसके बाद हम आगे देखते हैं जो हमारी, तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सैलरी की, जो हमारे बेनिफिट्स और सैलरी मिलने वाले हैं, तो उसकी बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको सैलरी साफ दिख रही होगी कि 32,795 रुपीज़ का हमारा बेसिक पे लगने वाला है। तो इतनी हमारी मिनिमम सैलरी, मतलब जो बेसिक होगी वो होगी। और जब अगर हमारी सपोज करो टायर ए, जो क्लास ए सिटी होती है, उसमें हमारी पोस्टिंग होती है, तो हमें अप्रोक्सीमेटली 57,000 रुपीज़ एज अ सैलरी मिलने वाली है। तो काफ़ी अच्छी सैलरी है, आप इसको फॉर्म को ज़रूर भरिए। और उसके बाद आपके एक्सपेंसेस वगैरह, जैसे इन्होंने बताए और भी बेनिफिट है यहाँ पे, कैश मेडिकल बेनिफिट, ग्रुप मेडिक्लेम, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, काफ़ी सारी फैसिलिटी ये यहाँ पे दे रहे हैं। उसके बाद ये यहाँ पे क्या है, क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस आपके पास 2 साल का है चार्टर्ड अकाउंटेंट में, तो वो आपको 2 एडवांस इंक्रीमेंट्स, मतलब 2 एडवांस इंक्रीमेंट करके देंगे आपकी सैलरी में। उसके बाद इन्होंने कुछ सर्विस कंडीशन रखी है कि आप छोड़ नहीं सकते हैं बीच में जॉब को। फिर एक ये आपसे गारंटी बॉन्ड भी लेने वाले हैं, तो गारंटी बॉन्ड होगा आपका 5 लाख रुपये का, प्लस उसके ऊपर जो GST लगेगी वो GST आपको पे करनी होगी। ये गारंटी बॉन्ड होगा कि जिससे आप उनके जॉब को छोड़ेंगे नहीं बीच में। ठीक है, तो ये आपको भी गारंटी बॉन्ड भी फिल करना पड़ेगा आपके सिलेक्शन के बाद। उसके बाद यहाँ पे अगर हम अप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं, तो SC ST और PWD के लिए, मैं आपको ये सारा टोटल करके बता देता हूँ। SC ST और PWD के लिए तो ये पड़ेगी 100 रुपये 30 पैसे फॉर्म की फ़ीस, और फॉर ऑल अदर कैंडिडेट्स के लिए 700 प्लस 126 रुपये समथिंग मिला के 826 रुपीज़ के आसपास आपकी ये फ़ीस होने वाली है फॉर्म फिलिंग की। उसके बाद अब देखते हैं हमारा सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। तो पहले एक होगा फेज़ 1, जिसको हम क्या कहते हैं प्रीलिमिनरी फेज़। तो उसमें आएंगे रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, 35 नंबर के, ठीक है। मिनिमम हमें 18 नंबर लाने ज़रूरी हैं, 20 मिनट का टाइम होगा। ऐसे फिर इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 ही नंबर के होंगे, इसमें 10 लाने ज़रूरी हैं और 20 मिनट, ठीक है। उसके बाद क्वांटिटी एप्टीट्यूड, 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, और आपको 16 SC ST के लिए और अदर के लिए 18 नंबर लाने ज़रूरी है, 20 मिनट। तो टोटल 100 क्वेश्चन, 70 मार्क्स, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये भी 100 ही है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, तो 100 मार्क्स ही हो जाएंगे, बट ये 30 वाले आपके काउंट नहीं होंगे, इसलिए इन्होंने यहाँ 70 सही लिखा था, बट वैसे टोटल 100 मार्क्स का पेपर है, बट ये 30 काउंट नहीं होंगे क्योंकि इन्होंने 2 स्टार लगाए हैं। इंग्लिश का जो टेस्ट है वो नीचे लिखा भी है इन्होंने, क्या होगा क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है, तो इसलिए जो हमारी कट ऑफ है वो इसमें 70 में से बनने वाली है, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद होगा फेज 2 का पेपर, तो फेज 2 का सिलेबस भी देख लेते हैं। फेज 2 का सिलेबस क्या है, रीजनिंग आएगी 30 क्वेश्चन, 90 नंबर के होंगे वो हमारे। फिर आएगी जनरल नॉलेज और करंट अफेयर, 30 क्वेश्चन, 60 मार्क्स के होंगे। और करंट अफेयर और जनरल नॉलेज की वीडियोज़ तो आप हमारे चैनल पर भी देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा वीडियोज़ का, प्लस आप चैनल को विजिट करके भी सारी चीज़ों को देख सकते हैं। उसके बाद प्रोफेशनल नॉलेज जो है उसमें वो 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, और इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट के भी 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। और इनके में भी टाइम आपको बता दूं तो रीजनिंग का 40 मिनट, जनरल नॉलेज करंट अफेयर का 20 मिनट, प्रोफेशनल नॉलेज के लिए 40 मिनट दिए उन्होंने, और इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट के लिए उन्होंने 20 मिनट दिए हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, तो इसमें एक फिफ्थ सब्जेक्ट और है अपना, वो क्या है इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें लेटर एंड एसे राइटिंग होने वाली है, 2 होंगे, आपको 25 मार्क्स स्कोर करने, क्वालिफाइंग है, और 30 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा, ठीक है। और ऊपर वाला जो पेपर था वो हमारा कितना है, उसमें टोटल 120 क्वेश्चन हो गए, और 300 नंबर का वो पेपर होगा, टाइम कितना होगा 2 घंटे होगा। उसके बाद ये आपका एक अलग से टेस्ट लिया जाएगा, जिसको हम इंग्लिश लैंग्वेज का लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग का टेस्ट भी कहते हैं। और ये किसके लिए होगा, लेटर ड्राफ्टिंग फॉर AO के लिए, लीगल के लिए, तो लेटर ड्राफ्टिंग भी, लीगल ड्राफ्टिंग भी करवाई जाएगी आपसे। उसके बाद बाकी आपको मैंने सारी डिटेल्स बता दी हैं, और इसमें कुछ है नहीं। अगर आपको कुछ अभी तक समझ नहीं आया है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और यहाँ पे फेज 3 जो होगा, इसमें एक इंटरव्यू रखा गया है,
जिसमें आपको वो भी क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए होगा, मतलब क्वालिफाइंग नेचर का होगा, तो मैक्सिमम इंटरव्यू मार्क्स आर 60, 60 हैं उसमें से हमें जो यू आर और ओ बी सी के लिए तो 30 मार्क्स रखे गए हैं, और एस सी एस टी के लिए 27 मार्क्स लेके आने हैं उस इंटरव्यू में हमें, तो वहाँ पे भी आपको ये स्कोर करना पड़ेगा। उसके बाद रिक्रूटमेंट से पहले आपका एक मेडिकल भी होगा, तो इन्होंने बताया कि मेडिकल एग्जामिनेशन भी होने वाला है, और प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग भी दे रहे हैं ये किस किस को, ओ बी सी को भी इस बार ही दे रहे हैं, नहीं तो पहले एस सी एस टी को ही देते थे। और बस इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको सैलरी अच्छी है तो आप इस जॉब के लिए ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। थैंक